हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स एग्जाम वॉरियर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 12 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले से सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है पीवी सिंधु, कैनेरी, हम्पी, रानी रामपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोनेरू हम्पी, इसका ये राइट आंसर है। और दोस्तों, ये इन्होंने 2021 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट अवार्ड जीता है। अगर कोनेरू हम्पी की बात करें तो ये किससे, शतरंज से संबंधित हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं ये। और इन्होंने ये 2021 के लिए BBC स्पोर्ट अवार्ड ये पुरस्कार जीता ही है। और दोस्तों, अगर पीवी सिंधु की बात करें तो इन्होंने 2020 के लिए अवार्ड जीता था, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 का अवार्ड जीता था इन्होंने, पीवी सिंधु ने। और ये किस खिलाड़ी हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है पीवी सिंधु। रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने जीता था रजत पदक, और 2020 वाले ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में जीता इन्होंने कांस्य पदक। रानी रामपाल ये हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने जीता था वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था रानी रामपाल ने। ये देखिए दोस्तों, ये हैं कोनेरू हम्पी। और चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु के थुटीकुट्टी में एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। और इसकी लागत की बात की जाए तो इसकी लागत 150.4 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। और इसका निर्माण सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है, इसका स्थापना की गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. Stalin ने। और दोस्तों, ये सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा कर सकता है ये। और ये सालाना कितना बिजली पैदा कर सकता है? 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। अब दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में आए हैं तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसके मुख्यमंत्री हैं M.K. Stalin, गवर्नर हैं R.N. Ravi, इसके गवर्नर हैं। और नेशनल पार्क की बात करें, तमिलनाडु के नेशनल पार्क है तो वो है मधुमलाई और पेरियार नेशनल पार्क। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष भी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। और सेकंड स्थान की बात करें तो सेकंड स्थान पर पश्चिम बंगाल, थर्ड पे उड़ीसा और फोर्थ पे गुजरात रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बाईएस जगनमोहन रेड्डी।
दोस्तों आंध्र प्रदेश के BIS जगनमोहन रेड्डी को 2020 का स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड दिया गया था, और ये आंध्र प्रदेश ने लगातार गवर्नेंस स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स में रैंक में पहला स्थान ग्रहण किया है इसने 2 साल लगातार। और सेकंड स्थान की बात की जाए तो इसमें सेकंड स्थान पर रहा है वो रहा है पश्चिम बंगाल, और थर्ड पर रहा है उड़ीसा, फोर्थ पे रहा है गुजरात फोर्थ रैंक पे, और फिफ्थ पे रहा है महाराष्ट्र। अब दोस्तों शीर्ष की बात आई है तो हम इसके बारे में बात करते हैं। बिहार किसमें शीर्ष पे रहा था? गरीबी सूचकांक में टॉप पर रहा था, सबसे गरीब राज्य में टॉप पर रहा था ये। और महाराष्ट्र की बात करें तो ये आत्महत्या करने मामले में टॉप पर रहा था, ये किसकी रिपोर्ट थी? NCERV की रिपोर्ट के अनुसार। और गुजरात ये गुड गवर्नेंस में टॉप पर रहा था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कितने राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 6 और 5। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 5, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब। दोस्तों अगर इन 4 राज्यों की बात करें तो इन 4 राज्यों में सरकार किसकी बनी है? वो बनी है BJP सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है पूर्व बहुमत से, आम आदमी पार्टी ने बनाई है। दोस्तों अगर हम सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 सीट हैं और पंजाब में 117, गोवा में 40 सीट और मणिपुर में 60, और उत्तराखंड में दोस्तों सीट हैं 70 सीट। ये उत्तराखंड में 70 सीट और यूपी में 403 सीट हैं, जिसमें से पूर्व बहुमत 202 पे होगा। और इसकी बात की जाए अगर BJP ने कितनी जीती है उत्तर प्रदेश में, वो जीती है, चलो लिख देता हूँ मैं, यूपी उत्तराखंड इसमें भाजपा, यूपी में भाजपा जीती है कितनी? 273 सीट। और सेकंड पार्टी कौन रही है? वो रही है सपा, समाजवादी पार्टी, इसने कितनी जीती है? 125 सीटें इसने जीती हैं। और उत्तराखंड में 48 सीट BJP ने जीती है और 18 सीट कांग्रेस ने जीती है। मणिपुर में 32 सीट BJP ने जीती है और सेकंड पार्टी रही है इसमें कांग्रेस, कांग्रेस ने जीती है 5 सीट। और गोवा में जीती है BJP ने 20 सीट, और इसमें भी सेकंड पार्टी कौन रही है? कांग्रेस रही है, इसमें जीती है 12 सीट कांग्रेस। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में जीती है आम आदमी पार्टी, कितनी सीट इसने लेकर आई है? ये लेकर आई है 92 सीट। और दूसरी पार्टी कौन रही है इसमें? वो रही है कांग्रेस, इसने जीती है 18 सीट। ये दोस्तों देखिए ये है डाटा चुनाव का। चलते हुए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ISF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा देश टॉप पर रहा है?
ऑप्शन है नॉर्वे, फ्रांस, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत। भारत इसमें टॉपर रहा है दोस्तों। भारतीय टीम ने कुल 7 पदक जीतकर पहला स्थान ग्रहण किया है, जिसमें से 4 स्वर्ण, 4 गोल्ड और 2 रजत, 1 कांस्य मेडल शामिल है। इसका आयोजन की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में हुआ है और ये विश्व के 60 देशों ने भाग लिया था, जिस विश्व के 60 देशों ने भाग लिया था। इसमें। और दोस्तों इस टूर्नामेंट में 22 देशों ने मेडल जीता है। कितने देशों ने मेडल जीता है? 22 देशों ने मेडल जीता है इसमें, और जिसमें टॉप पर रहा है भारत। और सेकंड स्थान पर की बात करें तो सेकंड स्थान पर रहा है नॉर्वे। नॉर्वे ने जीते हैं 6 मेडल और इसमें से 3 गोल्ड हैं, 1 रजत और 1 कांस्य मेडल। और फ्रांस ने 3 गोल्ड के साथ ये थर्ड स्थान पर रहा है। इसने मात्र 3 गोल्ड मेडल ही जीते हैं और 0 रजत और 0 कांस्य मेडल जीते हैं इसने। इसने एक ही मेडल नहीं जीते, यानी जितने भी फ्रांस ने जीते हैं वो जीते हैं गोल्ड ही, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। उस स्थान पर ये तीसरे स्थान पर रहा है। अब भारत रहा है पहले स्थान पर 7 मेडलों के साथ। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी है? ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, मिताली राज, शेफाली वर्मा, हीटर नाइट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों झूलन गोस्वामी। दोस्तों झूलन गोस्वामी ने अपना 5वां विश्व कप खेला है और इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट कीपर केंटी मार्टिन को आउट करके आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बन गई हैं। और झूलन गोस्वामी ने अब तक 39 विकेट लिए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में। कितने 39 विकेट लिए हैं विश्व कप में? और ये 5 विश्व कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब तक 5 विश्व कप खेले हैं और इन्होंने किसको आउट किया है? वो किया है विकेट कीपर केंटी मार्टिन। ये न्यूजीलैंड की हैं, इनको आउट करके ये 39 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला गेंदबाज बन गई है जिन्होंने वर्ल्ड कप में विकेट लिए हों सर्वाधिक। चलिए दोस्तों अब हम मिताली राज की बात करें तो दोस्तों ये मिताली राज दोस्तों सबसे ज़्यादा विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने 6 विश्व कप खेले हैं, 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं मिताली राज। और शेफाली वर्मा ये हैं दोस्तों तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली पहली महिला खिलाड़ी, और हीटर नाइट इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है हीटर नाइट ने। और ये कहाँ की हैं? इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं हीटर नाइट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला कार्य वुमेन्स एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ष 2026 तक महिलाओं को 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला एट द रेट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी 2026 तक। महिलाओं को ये देखिए दोस्तों वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम शुरू किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने
इसके लिए महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए 2026 तक 5 लाख नौकरियां प्रदान करेगा। दोस्तों अब आए हैं कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? वो है बेंगलुरु। और इसके चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, बसवराज बोम्मई। और गवर्नर की बात करें तो इसके गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। और नेशनल पार्क, कर्नाटक के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? वो हैं बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, ये इसके नेशनल पार्क हैं। चलिए दोस्तों हम कर्नाटक किससे जुड़ी कुछ और कर्नाटक से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं जो अभी चर्चे में रही थी। दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम में का वार्षिक शिखर सम्मेलन ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में। और संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ किया गया था? ये हम्पी में किया गया था, हम्पी कर्नाटक में। और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला किस सरकार ने शुरू किया था? वो भी कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया था। कौन सा? ओबाव कला, महिलाओं के अत्याचार और उत्पीड़न को रोकने के लिए ओबाव कला कार्यक्रम कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया था। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, संस्कृत मंत्रालय द्वारा साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, आगरा, वाराणसी, ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है साहित्य उत्सव का। ये देखिए दोस्तों ये है साहित्य उत्सव की पिक, ये मनाया गया दिल्ली में और ये 10 से 15 मार्च तक मनाया जाएगा। 10 से 15 मार्च तक मनाया जाएगा दोस्तों। आगरा में अभी मनाया गया था ताज महोत्सव मनाया गया था। और तानसेन महोत्सव ये कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था ग्वालियर में। और काशी महोत्सव ये मनाया गया था वाराणसी में। काशी महोत्सव। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फरवरी 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है एजाज पटेल, कीगन पीटरसन, अनाजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को फरवरी 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। ये है अजिंक्य रहाणे और ये टेस्ट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। अगर एजाज पटेल की बात करें यार दोस्तों ये तो दिसंबर 2021 के ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुने गए थे एजाज पटेल। और कीगन पीटरसन की बात दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, इन्हें दिया गया था, इन्हें 2000 यानी इन्हें जनवरी 2022 में दिया गया था कीगन पीटरसन को, जनवरी 2022 का अवार्ड किसे दिया गया था? वो दिया गया था कीगन पीटरसन को। अजिंक्य रहाणे को फरवरी 2022 का अवार्ड दिया गया है। ऋषभ पंत की बात करें तो इन्हें पहला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था जनवरी 2021 में। और दोस्तों अगर इस अवार्ड की बात की जाए तो ये अवार्ड कब शुरू किया गया है? ये अवार्ड शुरू किया गया था जनवरी 2021 से, इस अवार्ड को की शुरुआत की गई थी। अवार्ड की शुरुआत जनवरी 2021 में शुरू की गई थी। और ये पहला किसे दिया गया था? वो दिया गया था भारतीय प्लेयर ऋषभ पंत को।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है RC गंगू और अश्विनी भटनागर, सागरिका घोष, नवदीप सिंह गिल, रत्नाकर शेट्टी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रत्नाकर शेट्टी, इसका राइट आंसर है। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है ऑन बोर्ड माई ईयर इन लाइफ इन BCCI, ये रत्नाकर शेट्टी ने इस पुस्तक को लिखा है। और दोस्तों अगर RC गंगू और अश्विनी भटनागर की बात करें तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने लिखी है ऑपरेशन खत्म पुस्तक लिखी है। सागरिका घोष, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लिखी है। नवदीप सिंह गिल, गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा पुस्तक लिखी है, गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा। ये देखिए दोस्तों ये है पुस्तक रत्नाकर शेट्टी लिखी है, ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI नामक पुस्तक लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने। चलिए दोस्तों अब इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, कल आपको आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें वीडियो हमारी कैसी लगती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, जय हिंद।